चौहान मैथ्स इंडिया यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब लाइक शेयर और बेल आइकन घंटी को क्लिक करना ना भूले, ताकि प्रोफेसर चौहान सर लाएंगे आपके लिए सारे नए नए गणितीय सब्जेक्ट। अलजेब्रा कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें हमारा फर्स्ट एडिशन करना है। देखो अगर हमारे पास टू कॉम्प्लेक्स नंबर रहा, मान लो आपके पास इफ एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल टू एक्स वन प्लस आई वाई वन और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब हमें क्या करना है, देन जेड वन प्लस जेड टू निकालना है। तो हम इसका एडिशन कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे हम इसको मैं पहले डॉट डॉट कर लेता हूँ। हमें इसका सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे, देखो सॉल्यूशन में जेड वन प्लस जेड टू, यहाँ पे जेड वन प्लस जेड टू इक्वल टू क्या आता है एक्स वन प्लस आई वाई वन प्लस जेड टू की वैल्यू कितनी है एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब देखो हमें इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करना है। देखो एडिशन कैसा करेंगे हम कि फर्स्ट अब इसका रियल पार्ट जो होगा वो दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर के रियल के पार्ट के साथ एडिशन होगा। देखो इसका क्या है कि x1 इसका रियल पार्ट है और x2 z2 का रियल पार्ट है, तो यहां से क्या आ जाएगा x1 प्लस x2। फिर बाद में देखो अब हमें देखना है क्या कि अब इमेजिनरी पार्ट z1 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है, आई वाई वन है, आई वाई वन है प्लस z2 का इमेजिनरी पार्ट कौन सा है आई वाई टू। अब यहां से देखो कि x1 प्लस x2 हमें क्या निकालना है यहाँ पे प्लस, अब यहां से हम i निकालेंगे बाहर तो यहां से आ जाएगा y1 प्लस y2, ये हो जाएगा तुम्हारा z1 प्लस z2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा की एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अगर आपको एग्जांपल देखना हो, देखो यहां पे मैं एग्जांपल ले लेता हूं, एक एग्जांपल फर्स्ट, देखो यहां पे एग्जांपल फर्स्ट मान लो कि आपके पास z1 इक्वल टू क्या है 3 प्लस 4 आ है और यहां पे z2 जो होगा वो होगा 4 प्लस 6 आए। अब हमें दोनों का एडिशन करना है तो हम z1 प्लस z2 कैसे निकालेंगे, देखो इसका रियल पार्ट 3 है और इसका रियल पार्ट 4 है तो इन दोनों का एडिशन प्लस, अब हमें आए इमेजिनरी पार्ट बाहर निकालना तो इसका इमेजिनरी पार्ट 4 है और इसका इमेजिनरी पार्ट 6 है तो इन दोनों का हम एडिशन कर देंगे तो 3 प्लस 4 कितना 7 और 4 प्लस 6 कितना यहाँ पे आए हो जाएगा 4 प्लस 6 कितना 10, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एडिशन। अब सेकंड क्या है यहाँ पे सब्ट्रैक्शन, देखो सब्ट्रैक्शन सेम एडिशन की तरह काम करता है क्या कि मान लो कि z1 माइनस z2 आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर दो है, एक z1 माइनस z2 है यहाँ पे, तो हमें ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या निकालना है सब्ट्रैक्शन निकालना है। फिर यहां से देखो सब्ट्रैक्शन कैसे निकालेंगे, सिमिलरली आपको मान लो कि क्या हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 और iy1, ये वाला फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर और z2 x2 प्लस iy2, तो इसका भी हम सिमिलरली क्या करेंगे कि मान लो z1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो z1 की वैल्यू कितनी है x1 प्लस iy1 और माइनस यहां से x2 प्लस आई वाई टू। अब हमें इसका सब्ट्रैक्शन करना है एक्स प्लस आई वाई वन माइनस, अब इस माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा ये एक्स टू माइनस सॉरी आई वाई टू। अब देखो इसका भी क्या होगा कि रियल पार्ट के साथ सब्ट्रैक्शन होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्शन होगा, तो क्या आ जाएगा इसका रियल पार्ट एक्स वन है और इसका रियल पार्ट x2 है, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन माइनस। अब यहां से इन दोनों का हो जाएगा सिमिलरली यहाँ पे ये वाला आई वाई वन यहाँ पे प्लस है आई वाई वन और ये वाला माइनस आई वाई टू, तो सिमिलर यहां से i निकालेंगे हम तो ये वाला हो जाए x1 माइनस x2 प्लस यहां से क्या जाएगा i बाहर निकाल लिया तो यहां से क्या जाएगा y1 माइनस y2, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा z1 माइनस z2, ये हो जाएगा सब्ट्रैक्शन का। अब हमें करना है मल्टीप्लीकेशन, देखो यहां पे मल्टीप्लीकेशन का देखो हमारे पास मान लो कि e पर एक z1 हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है x1 प्लस आई वाई वन एंड z2 इक्वल टू क्या है x2 प्लस आई वाई टू। अब हमें निकालना है z1 इंटू z2, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकालना है, तो अब मल्टीप्लीकेशन कैसा निकालेंगे, देखो यहाँ पे
क्या पुट कर देते हैं यहाँ पे एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू कितना एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब इन दोनों का देखो मल्टीप्लिकेशन, हम ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कैसे सॉल्व करते हैं कि फर्स्ट एक्स वन जो होगा वो ये एक्स टू को मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स वन आई वाई टू को मल्टीप्लाई होगा। तो यहां से देखो एक्स वन एक्स टू को मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स वन इंटू एक्स टू, फिर बाद में एक्स वन किस को मल्टीप्लाई होगा आई वाई टू को प्लस से एक्स वन आई वाई टू प्लस। अब ये जो आई वन है ये दोनों को मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये आई वाई वन इसको मल्टीप्लाई होगा आई वाई वन, तो आई वाई वन एक्स टू, फिर बाद में आई वाई वन किसको मल्टीप्लाई होगा आई वाई टू को मल्टीप्लाई होगा, तो यहां से कितना आ जाएगा आई वाई वन इंटू आई वाई टू। तो अब हम इसको कैलकुलेशन करते, देखो यहाँ पे एक्स वन इंटू एक्स टू, एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस यहां से कितना आ जाएगा ये एक्स वन वाई टू आई, देखो यहाँ पे एक्स वन आई वाई टू, तो इसको हम एक्स वन वाई टू आई लिख लिया, फिर बाद में यहाँ पे वाई वन एक्स टू आई हो जाएगा प्लस। अब यहां से इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है, देखो आई इंटू आई पहले यहाँ वाला वाई वन इंटू वाई टू, अब आई इंटू आई कितना यहाँ पे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इसको फोर से सॉल्व करेंगे एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस। अब इन दोनों को यहाँ पे भी आए यहाँ पे आए, तो यहाँ से आए कॉमन निकल लिया तो आ जाएगा एक्स वन वाई टू प्लस वाई वन एक्स टू प्लस। अब देखो यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस वन, तो यहाँ पे माइनस वन पुट कर देंगे हम, तो ये वाला क्या हो जाएगा हमारा ये वाला टोटल माइनस क्यू, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है यहाँ पे आई स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, तो माइनस स्क्वायर तो ये वाला माइनस हो गया, तो वाई वन इंटू वाई टू। अब y1 y2 रियल पार्ट है, ये वाला रियल पार्ट एक साइड में ले लेंगे और ये वाला इमेजिनरी पार्ट, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे देखो यहाँ पे x1 x2 माइनस y1 y2, देखो यहाँ पे ये वाला रियल पार्ट था और ये वाला रियल पार्ट था, तो दोनों का हो गया ये वाला माइनस था, फिर प्लस i इंटू देखो अब ये वाला इमेजिनरी पार्ट क्या x1 y2 प्लस y1 x2, तो ये वाला हो जाएगा तुम्हारा z1 इंटू z2। देखो क्या आ गया हमारा z1 x1 इंटू x2 माइनस y1 इंटू y2 प्लस i इंटू x1 y2 प्लस y1 x2, ये वाला हो जाएगा हमारा मल्टीप्लीकेशन। देखो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन है कि हम मान ले कि z1 इक्वल टू 3 प्लस 4 आए हैं और z2 इक्वल टू कितना है 2 माइनस 6 आए, देन हमें निकालना है z1 टू z2। देखो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करते हैं यहाँ पे z1 इंटू z2, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 3 प्लस 4 आए ये वाला z1 हो गया इंटू कितना 2 माइनस 6 आए ये वाला हो गया z2। अब हमें इसका मल्टीप्लीकेशन करना है, देखो मल्टीप्लीकेशन कैसा करेंगे, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना है हमें, तो यहाँ पे ये वाला जो 3 है हमारा ये 2 को मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में ये वाला 3 किसको मल्टीप्लाई होगा 6 को मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, देखो 3 2 को मल्टीप्लाई होगा किया है 3 इंटू 2 कितना 6, फिर बाद में 3 इंटू माइनस 6 कितना माइनस 12 आए, देखो यहाँ पे 3 इंटू माइनस 6 आए कितना माइनस 12 आए। अब इसका काम हो गया, अब 4i जो हो वो दोनों को मल्टीप्लाई होगा, ये 2 को मल्टीप्लाई होगा और ये 6 को मल्टीप्लाई होगा। अब ये 4i इंटू 2 कितना यहाँ पे प्लस 8i माइनस, देखो प्लस इंटू माइनस क्या माइनस, देखो 4 इंटू 4 कितना 4 इंटू 6 कितना 24 और i इंटू i कितना यहाँ पे i स्क्वायर, तो इसको हम सॉल्व करेंगे, देखो 6 माइनस माइनस 12i प्लस 8i कितना यहाँ पे 4i माइनस 24। अब i स्क्वायर की वैल्यू पता है हमें यहाँ पे, देखो i स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है माइनस 1 होती है, तो यहाँ पे माइनस 1 पुट कर दिया, ये वाला माइनस 1 इंटू माइनस कितना हो जाएगा ये प्लस, तो ये 6 माइनस 4i प्लस 24। अब देखो ये वाला इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन होगा, अभी यहाँ तो खत्म हो गया, अब हमें रियल पार्ट क्या है 24 और ये 6, तो कितना आ गया हमारा, तो ये 30 हो गया माइनस 4i, तो हमें ये z1 इंटू z2 का मल्टीप्लीकेशन आ गया। अब हमें लास्ट वाला है हमारा क्या है डिवीजन, देखो यहाँ पे फोर्थ नंबर वाला डिवीजन है, डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर, टू कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो यहाँ पे हम मान लेते हैं आप हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z1 है क्या
एक्स वन प्लस आई वाई वन, और दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू इक्वल टू एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब देखो हमें क्या करना है, डिवीजन करना है। तो मान लो हमें यहाँ पे जेड वन अपॉन जेड टू की वैल्यू निकालनी है, तो जेड वन कितना है हमारे पास एक्स वन प्लस आई वाई वन है, और जेड टू कितना है यहाँ पे एक्स टू प्लस आई वाई टू। अब देखो ये वाला सॉल्व नहीं होगा, तो यहाँ इसको हम रैशनलाइजेशन सॉल्व करना है हमें। देखो रैशनलाइजेशन से सॉल्व कैसा करेंगे हम, अगर आपके पास यहाँ प्लस हो तो हम इसको क्या करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे एक्स वन प्लस आई वाई वन अपॉन एक्स टू प्लस आई वाई टू, इसको हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके क्वेश्चन में अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो यहाँ पे एक्स टू माइनस आई वाई टू, और इसको कैंसिल करना है हमें, तो एक्स टू माइनस आई वाई टू से, तो ये वाला हो गया तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन। अब ये अब इसका हम कैलकुलेशन करेंगे। देखो यहाँ पे ये वाला मल्टीप्लीकेशन ऊपर का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, एक्स वन प्लस आई वाई वन इंटू एक्स टू माइनस आई वाई टू, और नीचे वाला मल्टीप्लीकेशन कितना, एक्स टू प्लस आई वाई टू इंटू, तो इतना कितना एक्स टू माइनस आई वाई टू। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। देखो ये सॉल्व करेंगे, हमें पता है अभी हमने देखा है मल्टीप्लीकेशन रूल से। देखो ये वाला एक्स वन जो है ये एक्स टू को मल्टीप्लाई होगा, ये वाला एक्स वन किस को मल्टीप्लाई होगा, आई वाई वन आई वाई टू को, तो मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्स वन इंटू एक्स टू कितना, एक्स वन इंटू एक्स टू, फिर बाद में ये वाला एक्स वन किसके साथ, इसके साथ, तो माइनस, ये प्लस है तो ये वाला माइनस, तो ये कितना आ जाएगा एक्स वन वाई टू आई, फिर बाद में ये वाला आई वाई टू जो है, ये वाला आई वाई टू वो किसको मल्टीप्लाई होगा, देखो यहाँ पे ये आई वाई वन इसको मल्टीप्लाई होगा, बाद में इसको मल्टीप्लाई, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ये प्लस आई वाई वन एक्स टू, फिर बाद में ये वाला मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो ये क्या आ जाएगा प्लस माइनस वाई वन इंटू वाई टू आई, यानी आई स्क्वायर कितना हो जाएगा आई होल स्क्वायर अपॉन। अब हमें ये वाला सॉल्व करना है यहाँ पे एक्स टू प्लस आई वाई टू, तो ये क्या आ जाएगा एक्स टू को मल्टीप्लाई होगा, तो ये क्या आ जाएगा एक्स टू स्क्वायर, फिर बाद में एक्स टू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा माइनस आई वाई टू के साथ, तो ये हो जाएगा माइनस आई वाई टू इंटू एक्स टू, फिर बाद में आई वाई टू किसके साथ मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो प्लस आई वाई टू एक्स टू, फिर बाद में ये वाला माइनस आई वाई टू इंटू ये वाला माइनस, तो ये क्या आ जाएगा आई स्क्वायर इंटू वाई टू स्क्वायर। देखो ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा, ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा, फिर बाद में ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा और इसको मल्टीप्लाई होगा, तो ये कैलकुलेशन। अब ये वाला कैलकुलेशन करना है, एक्स वन इंटू एक्स टू कितना, एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस, देखो यहाँ पे एक्स वन वाई टू आई प्लस आई वाई वन वाई टू, देखो यहाँ पे ये वाला इमेजनरी पार्ट है, ये वाला इमेजनरी पार्ट है, देखो दोनों ही इमेजनरी पार्ट का हम सॉल्व करेंगे, तो यहां से क्या आ जाएगा, अगर हमने आई कॉमन ले लिया, यहां से अगर आई कॉमन ले, तो अब देखो यहाँ पे ये वाला इमेजनरी पार्ट है और ये वाला इमेजनरी पार्ट, तो यहां से हम आई कॉमन निकाल लिया, तो ये वाला हम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे ये माइनस वाला, तो ये यहां से आई निकल गया, तो कितना बचा हमारे पास एक्स वन वाई टू, और ये वाला क्या है हमारा, अगर हमने माइनस कॉमन निकाला तो ये प्लस था, तो ये वाला माइनस हो जाएगा, तो वाई वन एक्स टू। देखो यहाँ पे ये वाला हमारा इमेजिनरी पार्ट, अब यहाँ से देखो ये आई स्क्वायर कितना होता है माइनस वन, और ये वाला माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा प्लस वाई वन इंटू वाई टू अपॉन, देखो ये वाला आई वाई टू एक्स टू, ये वाला माइनस है आई वाई टू एक्स टू, ये प्लस है, दोनों निकल जाएगा, बचा कितना हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई टू, सॉरी एक्स टू, यहाँ पे एक्स टू स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर। अब ऊपर का हम सॉल्व कर लेंगे, देखो रियल पार्ट तो क्या जाएगा यहाँ पे एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस कितना वाई वन इंटू वाई टू, ये वाला रियल पार्ट था, ये वाला रियल पार्ट, माइनस कितना आई इंटू एक्स वन वाई टू माइनस वाई वन एक्स टू, तो अपॉन कितना एक्स टू स्क्वायर माइनस वाई टू स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका जेड वन अपॉन जेड टू। देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मल्टीप्लीकेशन में हमारा यहाँ पे क्या हो गया था थ्री इंटू सिक्स आए, तो हमने यहाँ पे ट्वेल्व लिख लिया था, तुम क्या करो यहाँ पे कि यहाँ कितना थ्री इंटू सिक्स कितना होता है एट, तो यहाँ पे तुम करेक्शन कर लेना, बाकी आप आंसर सिमिलर निकाल सकते हो, ठीक है।